खरगोन से बड़वानी जिले में हाल ही में यादव समाज की एक युवती की हत्या के बाद शव मिलने से समाज के लोगों में आक्रोश है। मंगलवार को समाजजनों ने मुख्यालय पर इकट्ठा होकर आरोपियों की गिरफ्तारी कर कड़ी कार्यवाही की मांग की। समाजजनों ने आरोपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने से पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि 31 मार्च को जिला मुख्यालय के सुखविलास कॉलोनी स्थित एक किराए के कमरे में 20 वर्षीय नर्सिंग कॉलेज की छात्रा नंदिनी यादव की बहरहमी से हत्या कर दी थी और आरोपी फरार हो गया था। उसके हाथ पांव बांधे थे और गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी 4 दिन बाद भी पुलिस के गिरफ्त से दूर है, इससे समाज में आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। समय में जो जिस तरह की जघन्य घटनाएं घटित हो रही है, उसी में बड़वानी जिले में अभी विगत दिनों 2 घटनाएं ऐसी हो गई। एक भावना राठौड़ करके एक बालिका थी, उसकी हत्या हुई, और उसके पश्चात अहिर यादव समाज की हमारी बेटी नंदिनी की हत्या, नरसंग हत्या हुई है। इस बात को लेकर यादव समाज बड़ा उज्ज्वलित है और उसी तारतम्य में हम महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए मांग लेकर आए थे। आज कलेक्टर के द्वारा हमने उनको ज्ञापन दिया है। कि हमारे पड़ोसी जिले बड़वानी में एक राठौड़ समाज की युवती और एक अभी 31 तारीख को जो घटना घटी है, यादव समाज की 20 वर्षीय बालिका जो कि छात्र थी, उसकी निर्मम हत्या कर दी है। तो हम अहिर यादव समाज, युवा यादव अहिर समाज संगठन अध्यक्ष नितेश यादव जी के नेतृत्व में और सकल हिंदू समाज के साथ मिलकर महामहिम राज्यपाल महोदय एवं श्री कलेक्टर महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय को उन अपराधियों को जिन्होंने जघन्य अपराध किया और उस बालिका को क्रूरता की तरह मार दिया है, उनका जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सजा दे, इसके लिए महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपने आए हैं। क्या नाम है आपका? राजेश यादव बोरावा से। मैं युवा यादव अहिर समाज संगठन का पूर्व अध्यक्ष हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।